आज कई जायरा लेट है, आज उसके पापा छोड़ने जा रहे हैं उसको। देखो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और आयरा लेट है, जैसा कि आपने देख ही लिया। आज एक्चुअली सुबह हम लोगों की नींद नहीं खुली थी, लेट हो गए सुबह उठने में, 6 बज गए थे। और आयरा भी लेट थी, 6 बजे उठा के एकदम से कैसे रेडी कर देती मैं उसको, टिफ़िन भी पैक करना था उसका, तो इसलिए फिर इसके पापा ने बोला कि चलो मैं छोड़ा, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो अभी जा चुकी है आयरा अपना सारा सामान लेके, और फिलहाल मैं बनाऊँ चाय, क्योंकि अब अरविंद गए हैं, छोड़ के आएंगे, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक भी हो गई है, तो चाय बनाती हूँ। थोड़ा किचन अरेंज करूँ, क्योंकि आयरा का टिफ़िन रेडी किया था तो किचन अभी बिखरा हुआ है, वो अरेंज कर दूँ। और बस फिर अरविंद का टिफ़िन भी मैं साथ में बना देती हूँ, क्योंकि सुबह 7 तो हो ही गई है। जब तक चाय बनेगी और अरेंज करूँगी सारा कुछ, तब तक का अरविंद का भी टाइम हो जाएगा, तो उनका भी फिर ब्रेकफास्ट वगैरह मैं कर ही देती हूँ साथ में। तो चलते। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8, ये हमारी टी रेडी हो गई। तो गाइस अभी देख लो 11 बज रहे हैं, है ना, और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। कबीर को नहला दिया, दूध फिनिश हो गया। आज क्यों नहीं नहाई मैं, क्योंकि ये देखो सारे कवर चेंज किए, है ना, और ये भी रूम की बेडशीट चेंज की, देख रहे हो, ये रूम भी क्लीन कर लिया, डस्टिंग की आज मैंने, और ये भी रूम क्लीन है ना। और अभी बज रहे 11, तो फिलहाल मेरा सिर्फ किचन अभी रहती है, आंटी ने अपना काम कर दिया। आज काफ़ी टाइम लग गया मुझे काम करते हुए, वो इसलिए क्योंकि एवरी वीक मैं मतलब कि एक बार ही अच्छे से सफाई कर देती हूँ। मैं कुछ चेंज करने वाला होता है, कवर होते हैं, बेडशीट होती है, ये सब मैं चेंज कर देती हूँ। और उस कमरे की बेडशीट मैंने सैटरडे को ही चेंज कर दी थी, क्योंकि वहाँ का फिक्स नहीं होता, क्योंकि कबीर खेल रहा होता है, वो कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, तो उस वहाँ का फिक्स नहीं है, वो जैसी गंदी होती है समटाइम मैं सेम डे भी मेरे को उठानी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो ये कवर्स चेंज कर दिए, अब मेरा देखो किचन का काम देखो कितना फैला हुआ है ना, अभी बर्तन रहते हैं। और मेरा आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं होगा मेरा, तो पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद मैं करूंगी ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और अब जाके मैं हुई हूँ फ्री, और इस साइड मैंने रख दी है बॉयलर रख लिए, और यहाँ मैं अपनी ग्रीन टी का पानी रख रही हूँ। मैंने अपने लिए पानी। तो गाइज ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, ये थोड़े से एप्पल और पियर पड़े थे आयरा के, एग वाइट ये मैं लेके आई थी कल मोस्टली, और ग्रीन टी। और अभी टाइम देखो फिलहाल कबीर हुआ पड़ा मेरे से गुस्सा। तो गाइस अभी बज रहा है 1, उधर सो रहा है कबीर, और आज एसी भी नहीं चल रहा, मतलब कि आज ठंडा लग रहा है काफ़ी, तभी मैंने कबीर को ब्लैंकेट दे दिया। आज बहुत बिजी डे है, बहुत ज़्यादा, देख लो अब इसको लगाने अलमारी में, धोने के लिए भी रेडी है, तो मशीन में वो भी डालने हैं, देखते हैं।
फिलहाल कपड़े तय कर दिया, 1 बज गया है। और आयरा इस नहीं आई है, वो इसलिए क्योंकि आयरा का टाइम चेंज हो गया है। पहले आयरा की 12:30 पे छुट्टी हो जाती थी, अब होनी है 1:30 पे, यानी कि 1:30 पे छुट्टी होगी तो आयरा आएगी करीब 2:15 के आसपास, मतलब 2:15, 2:20 ऐसे आएगी। काफ़ी लंबा डे हो गया, चलो अभी तो फिर बेटर है, नहीं तो पहले तो था कि 3:30 बजे तक आती थी आयरा, हाँ 2:30 बजे छुट्टी होती थी और 3:30 आती थी। चलो फिलहाल बिजी लाइफ है आजकल, स्कूल टाइम इतने लेट हो गए। हमारे टाइम में तो 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, नहीं सॉरी 1 बजे छुट्टी होती थी और 1:30 बजे तक घर पहुँच जाते थे। हमारे टाइम पे इतने लंबे लंबे स्कूल नहीं होते थे। आजकल की स्टडी और पहले की स्टडी में काफ़ी फ़र्क है, बहुत फ़र्क आ गया। चलो फिलहाल सारा तकरीबन सारा काम ख़त्म है, अब आयरा आएगी तो आयरा के लिए लंच बनाना है। मेरा तो फ़िलहाल अभी हो गया, अब भूख लग नहीं रही है, तो तब तक मैं 1 बॉटल पानी फिनिश कर लूँगी धीरे धीरे और देखते हैं अगर भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे, वरना लग नहीं रहा कि मुझे भूख लगेगी। एक्चुअली तो जो मूसली थी मैंने, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि मतलब जैसे मैं एग वगैरह लेती हूँ तो उसके खाने के बाद ना मतलब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं अच्छे से ना, और उसके थोड़ी देर बाद के बाद मुझे भूख लग जाती है। बट अभी जैसे मैंने मूसली खाई है ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टमी बिल्कुल फुल हुआ पड़ा और मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही, लाइक कि जैसे मैंने परांठे खाए हुए, मतलब ऐसा हैवीपन लग रहा है। तो मेरे हिसाब से लिए भी मैंने जस्ट 2 चम्मच, वो तो जस्ट एट अ टेस्ट के लिए मैंने लिए थे, मैंने कोई इसका ब्रेकफास्ट नहीं करना था, टेस्ट के लिए लिए थे। बट उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब कि कंप्लीट हो गया मेरा डे ना आज का, कंप्लीट हो गया मेरी डाइट कंप्लीट हो गई। और चलो देखते हैं फ़र्क पड़ता है कि नहीं वैसे मैं रिव्यू देख रही थी मूसली के और प्लस उसके ऑट्स के, तो उसमें से तो मतलब रिव्यूज़ में से तो सारे ऑट्स ही बेटर कह रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है, और जो मूसली होता है वो मतलब कि काफ़ी सारी मशीनों से निकल के फिल्टर्ड होता है, और पर उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे नट्स हैं, है ना, किशमिश, बादाम, प्लस सीड्स हैं जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ऐसे उसमें कई सारी सीड्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स है उसके अंदर, और प्लस ओट्स भी है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी रिव्यू जो आया वो ओट्स के लिए था कि वो प्योर है, बट कई जगह ऐसा दिखा रहे थे, मतलब कुछ रिव्यू देखे मैंने, एक रिव्यू नहीं देखा, मतलब 3-4 कंपेयर करे तो उसमें से कई रिव्यू ने ऐसा मतलब कि दिखाया है कि हाँ मतलब कि वेट लॉस में आपको मूसली भी मतलब कि फ़ायदा देती है। तो लेट्स सी, मैं ले आई हूँ, चलो अब जैसे ट्यूसडे और थर्सडे को मैग वगैरह नहीं खा सकती तो एटलीस्ट मैं मूसली खा लिया करूँगी कि मेरा टमी फुल रहे, जैसे कि अब कल है, कल मैग बाउल वो खा लूँगी। मेरे को तो नहीं लगता वैसे 1 बाउल खाया जाएगा, मतलब कि सफिशेंट है कि आप थोड़ा सा ले लो, अभी तो मैंने 2 स्पून लिया था तो मैं फुल हूँ, तो आई थिंक 1/2 बॉइल ले लो तो बेटर रहेगा, टमी फुल आ जाएगा। चलो अच्छी चीज़ मिल गई है, एंड चलो आयरा आती है तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर। और आज सुबह का मैंने कुछ शूट भी नहीं किया खास, वो आपको पता लग ही गया होगा कि सारा दिन आज मेरा बिजी था, अभी भी 1 बज गया और कभी सो गया। अब देखो अब ये सो गया, अब आयरा आएगी, आयरा देख लो 2:30 मतलब कि 2:30 बज जाएंगे, एक किस्म से लगा लो 2:30 बज गए है ना, रोटी खाते खाते उसको आधा घंटा वो भी चाहिए, 3 बज जाएंगे, 3 बजे अगर मैं उसको सुलाऊंगी तो देख लो 3:30 तक मेरे को उसको उठाना पड़ना है कि उसे ट्यूशन जाना है ना, 4 बजे से जाना होता है, तो उसकी कितनी टफ लाइफ है बच्चों की यार। मतलब एक वो टाइम था, हमारा टाइम था कि हमारे पास टाइम ही टाइम होता था, सारा दिन हम लोग फ्री होते थे है ना, शाम को खेलने जाना, सुबह खेल लेना, इनफैक्ट स्कूल जाने से पहले भी हम लोग खेल लेते थे,
और स्कूल से आने के बाद भी हम लोग 2 घंटे खेल लेते थे, फिर सो भी जाते थे, और उसके बाद ट्यूशन भी चले जाना, और उसके बाद आके फिर खेल लेना, मतलब कि काफ़ी अच्छा माहौल था। लेकिन आजकल के टाइम पे तो जस्ट बस स्टडी 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 स्टडी। वैसे जो आजकल का माहौल चलता है, इधर उधर की बातें हम लोग सुनते हैं, उस हिसाब से चलो बेस्ट है कि बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, कि मतलब उनका कहीं और इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। चलो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है और बच्चों के लिए काफ़ी टफ है, पर जो मतलब कि ये एज होती है, इस एज में बच्चे अपना इंजॉय करते हैं, अपने मतलब बचपन को जीते हैं ना, वो चीज़ सारी उनको मतलब बर्डन स्टडी ये सब चीज़ों में निकल जाता है। चलो क्या पता यही उनके लिए बेस्ट हो, वो हमारे हमारे अकॉर्डिंग ठीक था, ये इनके अकॉर्डिंग ठीक हो, है ना। तो देन चलो देखते हैं, चलो फिर आए रहती है, फिर दिखाती हूँ अगर टाइम मिला तो। तो गाइस अभी बचे देखो 12:15 और 2:15। हाँ अब भैया आए रहा, मेरे को बेटे को गेट पे बैठ गया, कैसे खुल गई? सही तरह से क्यों नहीं बांधते ना? अच्छा ओ आई कबीर क्या पकड़ ओ गया 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 बंद कर क्या कुंडी लगा, कुंडी लगाई नहीं, देखा कैसे भाग गया, गेट खोलने की देर है बस, अब तो इसको ये वाला जाली वाला दरवाजा भी आ गया खोलना, आ गया जाली वाला ये वाला दरवाजा खोलना आ गया, उसको धक्का देता खुल जाता है और ये भाग जाता है। देखो 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 टेस्ट कैसा हुआ, कितने मार्क्स आए? जरा बड़ लेके बांधू। तो गाइस मैं इधर बना रही हूँ आयरा के लिए लंच, और यहाँ मैं पोहा गरम कर रही हूँ। एक्चुअली पोहा बनाया था तो वो पड़ा हुआ है, अगर मैंने इसको नहीं खाया तो खराब हो जाएगा, तो सोचा कि चलो इसको खा ही लेते हैं, इस बहाने लंच भी हो जाएगा और प्लस ये भी फिनिश हो जाएगा। तो आयरन के लिए तो खैर मैंने चपाती बनाई है और ये सब्जी थी जो मैंने रात को बनाई है। इधर कबीर लगा खोला और मस्ती करने के लिए, तंग करीब जा रहा है बहुत, आज उसको कॉल्ड हो पता नहीं कैसे बट कॉल्ड हो। मम्मी रोटी देना, और हाँ ये याद रखियो क्योंकि मैंने ना भूल जाता हुआ, तो फिर बता दियो दही दे देना ले। दही पनीर के साथ नहीं खाते, खाते हैं जी। अच्छा फिर रोटी भी नहीं खाते जी। अच्छा मम्मी चौकस में दे देना जब ही खत्म हो जाएगा। नहीं पहले 2 रोटी फिनिश कर फिर चौकस मिलेंगे। हैं? 2 रोटी फिनिश करेगी फिर चौकस मिलेंगे। चौकस खाने है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब ऐसे साथ के साथ क्लीन कर दूंगी ताकि ये साफ रहे। और ये आयरा की प्लेट लगी है, लो आयरा।
इधर लगा रही हूँ अपनी प्लेट। तो ये देखो ये थोड़े से थे, मैंने इसको गर्म कर लिया। वैसे तो मुझे बहुत मतलब अच्छा ये वे लगता है अलग ही इसका वो होगा, सिंपल इजी एंड वेरी टेस्टी है ना, आप इंजॉय कर सकते हो स्नैक्स के तौर पे। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इससे आपका टमी भी फुल हो जाता है, मतलब इसके बाद ना जैसे क्रेविंग होती है रोटी खाने की, राइस खाने की, हैवी चीज खाने की, जैसे हम डेली रूटीन्स में खाते हैं वो चीज नहीं होती। आयरा दही नहीं लिया, मैं दही दे देती हूँ आयरा को थोड़ा सा, खा लेगी दही। दही ले लो, दही काके को नहीं देना दही। चल फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो अभी बजे हैं शाम के 4 और मैं हो गई हूँ रेडी। आयरा वॉशरूम में वो रेडी हो रही है, उसके बाद हम जाएंगे आयरा को छोड़ने। पहले छोड़ते हैं कबीर को, फिर जाएंगे आयरा को छोड़ने और फिर जाएंगे कबीर की दवाई लेने। आयरा को छोड़ के आऊँगी, फिर मैं कबीर की दवाई लेके आऊँगी। कबीर को कोल्ड हो रहा है तो उसका रनिंग वाटर हो रहा है मतलब कान में सॉरी नाक में से पानी निकल रहा है, तो उसकी मेडिसिन ले आए। और हल्का हल्का गर्म लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको फीवर हो, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो मतलब लाइक मौसम ऐसे ही है ना, कभी गर्मी कभी ठंड, तो चेंज होता रहता है मौसम, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमार हो जाए ज़्यादा। इससे पहले ही उसको मेडिसिन लेके आते हैं उसकी। तो ये फिलहाल घूम रहा कबीर, चलो तो मिलती हूँ फिर मैं आके। अगर हुआ तो मैं फिर बीच में बात कर लूंगी, नहीं तो फिर जितना की मेडिसिन लेके आऊंगी उसके बाद ही बात करूंगी। देखो इसको कुछ ना पकड़ाने का, अभी इसने पकड़ा हुआ है और इतनी जोर जोर से ग्लास पर मारा ना। अब ये देखो ऐसा करता है, इतनी जोर जोर से ग्लास पर मारता है। तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। फिलहाल मैंने ग्रीन टी ली है, उसके साथ मैंने एक टोस्ट पीनट बटर के साथ मैंने एक टोस्ट लिया। और काकी को मैं दिखाया ही थी, इसको फीवर है प्लस इसको कोल्ड है, शायद कोल्ड की वजह से ही इसको फीवर हुआ, 100 फीवर है। तो वो मेडिसिन दी है मैंने इसको, मेडिसिन दे के अब वो सो गया है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ मैं काट रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ अपनी अरबी की सब्जी की, डिनर की। आज डिनर में बन रही है अरबी की सब्जी। अरबी को मैंने फ्राई होने रख दिया है, प्लस इधर मेरा मसाला काट रही हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ, वॉश कर लिए, अब इसे बारीक काटूँगी और अपनी तैयारी करूँगी। फिलहाल रेसिपी तो आपको पता ही है, मैंने आज पहले भी ब्लॉग में डाली हुई है इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल आज का मेरा ब्लॉग बहुत कम है, शायद इसी वजह से कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काका ठीक नहीं था, है ना, मैं इतना ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ आज का। तो आई होप कि मतलब कि आगे अभी जो टाइम है बाकी बचा है, मैं इसमें कुछ शूट कर लूँ अच्छा सा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस देख रहे हो अभी बज रहे शाम के 7:45, आज मैं खाने के लिए भी लेट हूँ। और ये भाई सब्जी उठ गए हैं और ये भी किचन में विराजमान है मेरे साथ। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी, जैसा कि मैंने बताया ही था कि अरबी की सब्जी बन रही है। फिलहाल मैं तड़का लगा रही हूँ, अरबी मेरी फ्राई हो चुकी है,
और ये बैठे हैं इधर, कागज ले आओ। ये कुछ देख रहा है कि मैं कुछ खुराफाती करूं, इसके मतलब की चीज। एक्चुअली मैं शेल्फ के पास इसको बिठाती नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं होता किचन का काम है ना, किस टाइम क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। एक बार ऐसी आयरा छोटी थी, तो अभी तो आयरा ना मतलब वो किचन में नहीं आती थी, मतलब नेचुरली था वो किचन में आती नहीं थी इतना। उसके पापा ने जाना था जिम, तो वो अपने पापा के चक्कर में ना किचन में आ गई, और वो भी अपने पापा के पीछे थी, वो शेल्फ के आगे कभी नहीं आती है, मतलब आती थी और वो अपने पापा के पीछे थी, पापा को पकड़ा हुआ था उसने। तो मैं ना आयरा के लिए ही, रात का टाइम था तो मैं आयरा के लिए ना वो लंच सॉरी डिनर मतलब सर्व कर रही थी उसको प्लेट में। तो एक साइड मैंने अपने लिए कॉफ़ी रखी थी, तो इसके पापा आके खड़े हुए, तो मैंने इनको यही कहा, और इसके पापा ने आके मेरे को बोला कि आयरा को पकड़ लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं रोटी डाल रही हूँ उसकी, आप कॉफ़ी डाल दो मेरे कप में। तो कहते चल ठीक है, इन्होंने कॉफ़ी डाली और सम वो कॉफ़ी ना जैसी कप में डाली और कप ऐसे दो और सारी गरम गरम कॉफ़ी मेरे ऊपर, तो मेरी थाई पे गिरी थी और मेरी थाई पूरी जल गई थी। इनफैक्ट जो मैंने लेगी डाली थी वो सारी चिपक गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी तब से तक। मतलब कि हम बच्चों को आयरा तो आती ही नहीं है, उसको तो समझा दो तो वो नहीं आती है। अभी ये छोटा है इसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने हादसा हो गया शायद इस वजह से वो अवॉइड करती है, बट वो नहीं आती। और जब वो छोटी थी ना तो कोई मेरे को आपको पूछता था कि क्या हुआ तो आयरा ने एक ही बात कहनी, पापा ने मम्मा को जला दिया। मतलब ये हाल था कि मैं 2 दिन तक अपने कमरे में मतलब लूज बिल्कुल जैसे गाउन डालते हैं ऐसे गाउन डाल के बैठती थी। समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है, बट अभी क्योंकि मेरा तेल गर्म था, अब सब लोग कहेंगे कि बाद में तड़का लगा लो, बट ऑयल मेरा गर्म था और तैयारी मेरी सारी हो चुकी थी, क्योंकि आयरा आती है तो उसको भूख लगती है, तो अगर मैं उसको और कुछ खाने को दे दूँगी फिर उसने रोते नहीं खाने, इसलिए मेरे को होता है कि चलो अभी बर्तन पड़े हैं तो बर्तन तो चलो मैं कभी भी कर लूँगी, उसकी टेंशन नहीं होती। बस मेरे को ये टेंशन होती है कि सब्जी बन जाए। सुबह मैंने आटा गूंद दिया था, आटा भी मेरा रेडी है और बस सब्जी रेडी हो जाए। सब्जी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्याज भून ही गए हैं, टमाटर डाल दिया, बस मसाले ऐड करने हैं। अरबी में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अरबी वैसे ही गली हुई है, फ्राई है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कॉपियों पे कवर चढ़ा रही हूँ। ये होती है मदर लाइफ, माँ बनना आसान नहीं है, वो भी एक साथ दो दो बच्चों को संभालना। इधर कबीर परेशान कर रहे हैं, कवर देख रहे हो, देखो गाइस आयरा ने इसे प्रेस कर रही थी, वो देखो ये अभी हम मार्केट से लेके आए थे, तो ये भी ऐसे ही लगा, देखो ये देखो ये प्रेस कर रहे, देखो पापा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11 और यहाँ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, वो इसलिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, हम लोग थक चुके हैं, नहा लिया, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया। फिलहाल मैंने अभी करनी है 11 बजे एडिटिंग, तो मुझे सोते सोते आई थिंक 1 ही बज जाएगा, अपलोड भी करनी है वीडियो, तो मैं करती हूँ फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करने, बाय। अब
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।